ज नॉट कॉन्फिडेंट जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो मैंने बोला था मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था उनको मैंने देखिए मैं, देख, मैं पिक्चर नहीं बाई द वेट इज द रीजन I don't like doing films which जिन पे जिन में मैं मेरे बच्चों को चो जाता okay. है या और मां बनने के बाद आप it's yeah, yeah. it's something of your I think your worst nightmare when you go to the set Kajol is there how do you make sure you don't get intimidated and कि आप हाँ how you do not you make not intimidated see, you better not <laughs> be intimidated even now I feel <laughs> so nahin nervous nahin? <laughs> no no ऐसे कैसे हो सकता मैं मैं तो अपने बच्चों को बताती रहती हूँ आई क्लीन योर नोज आई स्टेड ऑल नाइट लुकिंग आफ्टर मी मैं तो बताती रहती हूँ तो बहुत बड़ी है है। है, कि आपने 18 साल क्यों लगा दिए दूसरी बनाने के लिए? होता मैंने भी लिया लेकिन थोड़ा सा जल्दी नहीं कर सकते थे? विशाल काजोल वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा थैंक यू सो मच फॉर टाइम फर्स्टली You know, my first question is to you, Kajol. You know, you are at a stage where you were actually always at a stage where you could choose what you wanted to do. But there were so many films that, you know, even when I talk to Ajay, he tells me we did so many films just for friends. Yeah. This time you have actually done the same thing. But do you, what is the big reason now in your life when you say, okay, I will get back to a film set? Um, I, you know, I've always had the same reason. Right. Uh, मेरी reasoning बदली नहीं है आई mm -hmm. थिंक सालों साल से मैं यही करती आ रही हूँ mm -hmm. और uh, मेरे दोस्तों के साथ भी मैंने बहुत कम पिक्चरें की हैं जो मुझे पसंद ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने किया उन सिर्फ उनके लिए किया okay. है मैंने हमेशा उनको भी समझाया है mm -hmm. और कि यू नो देखो इफ आई डोंट लाइक द स्क्रिप्ट आई डोंट लाइक द स्क्रिप्ट एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी जितने भी लोग मेरे पास आए हैं दे अंडरस्टैंड दैट यू नो हु फिल्म दैट टेकन दैट फीडबैक क्वाइट रीजनेबली वेल कोई मतलब दरवाजा भैंक करके बंदिश करके चला नहीं गया मेरे से तो यज फॉर्चुनेटली माई रीजनिंग हैज नॉट चेंज इट्स मीट्स बिन द स्क्रिप्ट Always the script. For right. me, it's been the script. It's been uh, yes, of course, it matters who directs it. Hmm. Directs it. Of course, hmm. it matters that you know hmm. whether you have uh, a film that will be eventually made also hmm. or not. Hmm. But लेकिन ज़्यादातर I think मेरा script ही I think the that script अगर मजबूत हो तो उसपे आप कुछ भी इमारत इमारत बन सकते हो. लेकिन अगर वो मजबूत नहीं होगा तो फिर

वो हाँ। ऐसा हो गया एंड दे देन दे कॉल्ड मी फॉर नरेशन बट देन द द थिंग्स कम आई मीन थिंग कम्स के भाई व्हाट इज योर पार्ट इन दैट राइट एंड व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट टू द फिल्म और आधा नरेशन सुनने के बाद ही मैं समझ गया कि भाई मुझे लाइफ में आगे जाके हाँ। ये बात जरूर बोलनी है कि आई वाज अ पार्ट ऑफ सलाम और बिकॉज बिकॉज मैं रियल लाइफ में अपनी मॉम से बहुत कनेक्टेड हूँ और स्टोरी सुनते सुनते ही ना वो एक इमोशनल कनेक्ट होने लगा मैंने हाँ। बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो ेंकी और सुजाता शेयर करते हैं एट द सेम टाइम मैं विशाल oh और मेरी मोम भी हम लोग शेयर करते right. हैं तो uh, मेरे लिए ये यस था और फिर तो पता नहीं सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है मेरे फेवर में ही होने लगी धीरे <laughs> धीरे पता चला कि uh, आमिर सर इस फिल्म का पार्ट है <laughs> uh, और मैं जब ऑफिस uh, में गया एक बार और वहां पे मैंने देखी कास्टिंग की लिस्ट तो देखा सारे के सारे दिग्गज कलाकार सारे के सारे एक्सपीरियंस <laughs> एक्टर जिनके मैंने बचपन से देखा <laughs> uh, तो यस yes, uh, इस तरीके से ये सब कुछ हुआ रीजन टू डू

उसमें एक uh, एक बहुत ही धीरज है एक mm. कामनेस है mm. एक शांति है एंड दर्स अ लवली काइंडनेस अबाउट हर राइट दैट्स अ ब्यूटीफुल काइंडनेस शी इज जस्ट जेन्युइनली अ काइंड पर्सन यू नो

It's, it's running the perfect balance yeah. of emotion. Mm -hmm. You're talking about a cause. You're mm. talking about um, uh, you know. You're talking about the people mm. in it and as well, and the mm. conversation started up at, at when I saw the film. Mm. I I know that the conversation at that time was how society and people handled it right. more than how the uh, yeah. what you know the the medical concepts of it were. और सलाम बैंकी में भी मुझे लगता है कि hmm. really has, है कि शी 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 द परफेक्ट परफेक्ट पर्सन टू डायरेक्ट इट बिकॉज़ रियली हैज पिक्चर देखी आप अभी देखोगे तो लेकिन आई थिंक इज़ रन दैट बैलेंस ऑफ़ ऑफ़ इमोशन एंड रिलेशनशिप्स और जो माँ बेटे का रिलेशनशिप है वो इतनी अच्छी तरह से दिखाया huh. है छोटी huh. छोटी नुक्स है छोटे छोटे नुक्स है उसमें छोटी hmm. छोटी चीजें हैं उसमें और आई वॉज वेरी आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो मैंने बोला था मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था उनको मैसे कि मैं पिक्चर नहीं, <laughs> <by the way. laughs> नहीं कर रही बाई द वे मैं ये पिक्चर नहीं कर रही हूँ मैं सुन लेती हूं क्योंकि आई रिस्पेक्ट यू डीपली एंड आई थिंक यू आर एन अमेजिंग एक्टर एंड एन अमेजिंग डायरेक्टर बट लेकिन आई आई डोंट डू फिल्म्स लाइक दिस एम सो सॉरी

<laughs> See, <laughs> See, this is is exactly hmm. what I'm saying. <laughs> ma makes it so so comfortable and uh, she so cool with all of us. Ah. But I I I am still, I mean, I still mean, feel that nervousness ah. even now. रहता हूँ तो ऑटोमेटिकली अगर आप मुझसे अकेले इंटरव्यू लेते तो मैं बहुत सारी चीजें बोलता बट अभी मैम के साथ है तो मैं तीन चार सेंटेंस मेरा खत्म हो जाएगा और वो तो वो I think I think मैम खूल cool <laughs> रहते हैं हम सब हम सब लोगों के साथ बट uh, मैं अभी भी ऐसे डरता हूँ और येस yes, बट ये प्रॉब्लम तब नहीं होती जब एक्शन और कट के बीच की बात होती है तब पता नहीं ऑटोमेटिकली मैं मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ और uh, मैम भी उस तरीके का माहौल बनाती है uh, मैं फर्स्ट टाइम मैम को मिला था तब मैंने कहा था मैम इट विल टेक टू थ्री डेज फॉर मी टू आई मीट बी कम्फर्टेबल विथ यू और दिस तो हैपन्स को वक्त लगता है नया लोग होते हैं और आफ्टर ऑल फिर वो uh, हमारे फिल्म को ही कहीं ना कहीं खराब असर करता है अगर हम लोग कम्फर्टेबल mm. नहीं है mm. और माँ और बेटे का सीन है हम हाथ पकड़ने में अगर हिचिट करें बात करने में डरे तो फिर आई mm. थिंक वो वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर सकता और फिल्म के लिए जस्टिस नहीं हो सकता है

You know, 2017, 2018. Suraj came to her and said, "Ma'am, it's come back to you." And then she was like, "You know, that means I have to do it. If right. it's come back to me right. after so many years, uh -huh. that means there is something to it." So right. again, you know, they started working on it and things like that. And that's how the film actually got made this right. time. Did you read the book? So, Did... I haven't read the book. Okay. You know, but would you, would you would you would you want to read it or would you rather go with the script? You know, I've I've heard heard the oh, the yeah. the entire entire okay. life life story. story. Okay. I I have met um, yes. Sujata, the yeah. lady whom I'm playing, right. and that's a really intimidating thing for yeah, me because, yeah, I yeah. mean, जीती जाती है इंसान है और उनको मतलब उनको जस्टिफाई करना है फिल्म में ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कहीं पे यू नो आप जस्टिफाई उसे नहीं कर सकते हो एनी पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी There, who you are enacting, yeah, yeah, yeah. and and a supremely brave woman and supremely right. amazing woman. So, um, and uh, when you look at her actions throughout her life, yeah. I, you know, I don't know. Sometimes I feel like, if we were situation, mein to hum kya karte? Kya, It okay. would be a question. It would not be a.

खुद आपके बच्चे नहीं yeah, हो जाते yeah. hmm. तब तक आपको समझ में नहीं आएगा द डेप्थ ऑफ

एटिकेट की जो किताब है मेरे सर में कि यू नो ये करना नहीं चाहिए और ये बोलना नहीं चाहिए और यू नो एक एक टाइम के बाद फोन फोन नहीं कर सकते या किसी चीज कोई चीज एसएमएस नहीं कर सकते या यू नो इवन टू कांटेक्ट समबडी ऑन इंस्टाग्राम और समथिंग लाइक आई फाइंड इट आई फाइंड फाइंड इट जस्ट ऑड कि किसी अनजान इंसान को आप यू नो डीएम कर दो या जो भी है मुझे अजीब

Uh, I would say boundary Right. Yeah, yeah. I don't know whether that's good or bad but yeah, yeah that yeah. communication I yeah. you have amazing. accounts do you scroll through it do you like to see I spend do time I do it? scroll through it I like my Instagram accounts so I do scroll through that I ha. enjoy my ha. uh, I have to say that there are parts of my Instagram that I that I truly enjoy okay. and I think that I cannot take the social media so seriously mm. because otherwise I would go mad I mm would -hmm. right. so I think my sanity my mental health would yeah, yeah, yeah. be राइट वन थिंग दट दे जनरेशन हैज दैट यू थिंक यूल डोंट हैव एंड यूल शुड इन एडवांटेज ऑफ दैट बहुत सारी चीजें <laughs> मैंने मैंने बहुत बार देखा है कि क्योंकि मैंने काजल मैम और रानी मैम दोनों के साथ काम किया मैंने hmm. देखा है कि उनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो बहुत अप टू द मार्क है hmm. आ, देखा है मैंने हमेशा कि रानी मैम जब सेट पे आते हैं उसके बाद कभी भी मैंने मैंने अपने लाइफ में जितना मैंने उनके साथ काम किया मैंने कभी नहीं देखा कि बार बार पर वो में जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं इवन hmm. काजुल मैम को मैंने देखा है मैं काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैम मुझसे पहले सेट पर और मैं थोड़ा सा लेट आया और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ तो आई थिंक द प्रोफेशनलिज्म और और सीनियर्स की जो रिस्पेक्ट है hmm. वो वो भी भी मैंने देखा इवन right. अभी भी मैं काफी मेरे ही एक्टर्स को hmm. देखता हूं, वो जैसे कुछ सीनियर एक्टर्स के साथ कुछ ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं hmm. जो कि एक हद के शायद बहुत हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली हो जाता है ले <laughs> <रहा> <laughs> <laughs> Let's make his day, if you want to, on a scale of 1 to 10, how good you found him as an actor? <laughs> oh, my God. <laughs> Are, you that's, that's yes. <laughs> Are you ready? That's a tough one. Are you ready? Yes. Okay, I won't give him a scale. Okay, I won't sure. give him a scale. Mm -hmm. Not for any other reason mm -hmm. because I feel a scale is subjective. Sure. It mm. depends from person to person, character to character. You yeah. may have a different scale, mm. I may have a different scale. Right. So, I won't give him sure. a scale. But I will say Same. that he has, in this film... Uh, brought tears to my eyes wow, that's on something. set और uh, काफ़ी टाइम पे ऐसे भी लगा कि मतलब ये सचमुच वेंकी है इज yeah. लाइक like ही इज लिटरली लिव्ड दैट कैरेक्टर इन एंड आउट Um, कुछ कुछ चीज़ें जो उसने खुद डिसाइड की कि yes. नहीं मैं ऐसे करूँगा यू नो मुझे ऐसे करना चाहिए और वेरी मच सो आई मीन आई आई वॉज लाइक रियली हिम वन ही